hindi.com के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गर्मा गर्मी हो रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में नेता संजय सिंह के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ खटपट चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संजय सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है और बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों में 9 से ज्यादा FIR दर्ज की गई है। क्या है इस नाराजगी की वजह? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है? एक बड़ी ताकत के तौर पर वो वहां पहुंचना चाहते हैं और इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में हो रही है, या क्या वजह है? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। जी नमस्कार। क्यों नाराजगी है योगी जी की आपसे? देखिए, पिछले 3 महीनों में मेरे खिलाफ 13 FIR हुई है, अलग अलग धाराओं में, अलग अलग थानों में FIR हुई है। मेरा पार्टी का ऑफिस बंद करा दिया गया। मैं निवेंद्र मिश्रा जी के शोक संतप्त परिवार से मिलकर वापस आ रहा था तो मुझे 1.5 घंटे तक डिटेन किया गया, और कल ये देशद्रोह का नोटिस मुझे थमाया गया जब मैं कोरोना घोटाले के खिलाफ पार्लियामेंट में बोला। तो मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों मैंने मुद्दे उठाए उससे योगी सरकार काफी परेशान हुई, और डराने धमकाने रोकने की नियत से, मैं उनके खिलाफ ना बोलूं इस नियत से उन्होंने ये देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। अब मामले क्या हुए थे पिछले दिनों जिसकी वजह से इनके अंदर इतनी बौखलाहट है? 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, मैं सारे परिवारों से गया मिला। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई, उनके परिवार से जाके मिला। प्रभात मिश्रा की, जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, उसकी हत्या हुई, उसके मामले को उठाया। खुशी दुबे, जो 2 दिन की विवाहिता थी, उसका मामला हुआ, मैंने उनका मामला उठाया कि आपने अभी तक उनको जेल में क्यों सड़ा रखा है। निर्वेंद्र मिश्रा, जो 3 बार के लोकप्रिय विधायक थे, उनकी हत्या हुई, उनके परिवार से मिलने गया। और इस प्रकार के तमाम मामले, मोहित कुमार एक लड़का था, दलित युवक, रिक्शा चलाने वाला, उसको थाने में लाके लालगंज में 5 दिनों तक पीटा गया और उसकी हत्या हो गई। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार जौनपुर के मड़ियाओं में हुआ, एक बच्ची का बलात्कार लखीमपुर में हुआ, और ऐसी तमाम घटनाएं, संजीत यादव का अपहरण और हत्या, ब्रजेश पाल का अपहरण और हत्या, विष्णु निषाद के पति पत्नी की हत्या। तो ये जो तमाम मामले हुए, इसको मैंने उठाया, इससे वहां पर योगी सरकार काफी परेशान हुई। और इसके बाद जब ये कोरोना घोटाला हुआ, इस कोरोना घोटाला में विजय जी, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा गया, 1,500 रुपए का थर्मोमीटर, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आप अभी चेक करेंगे, वो 13,000 रुपए में खरीदा गया, 800% कमीशन खाई गई। तो मैंने कहा कि साहब, ये तो दर्शन में दलाली हो रही है। 1,45,000 का हेमाटोलॉजी एनालाइजर, जो आपको सरकारी वेबसाइट पे, पोर्टल पे, जेम पोर्टल पे मिल जाएगा, वो 3,30,000 में योगी सरकार ने चीन की कंपनी से खरीदा। तो ये सारे मामले मैंने उठाए, और कल जब मैंने पार्लियामेंट में कोरोना घोटाले का मुद्दा उठाया तो कल शाम को ही मुझे ये नोटिस मिल गया और कहा गया कि 20 तारीख को आपको हजरतगंज के थाने में आना है, आपके ऊपर देशद्रोह लग गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हत्या करना उत्तर देशद्रोह नहीं है, आप हजरतगंज थाने, लेकिन हत्या के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है। तो आप हजरतगंज थाने में जा रहे हैं हाजिर होने? जी, मैं 20 तारीख को, क्योंकि सदन चल रहा है और कोरोना का टाइम है, इसलिए सैटरडे संडे को भी पार्लियामेंट चल रही है, तो मैं अपने माननीय सभापति जी को पत्र लिखकर और पार्लियामेंट में 9 बजे मौजूद होकर उसके बाद उनसे अनुमति लेकर मैं जाऊंगा। तो हो सकता है कि उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है तो मैं 3-4 बजे तक वहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन सभापति जी ने आज भी सदन को भरोसा दिया है कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि मेरे इस प्रकरण में, देशद्रोह के इस मामले पर, 12 राजनीतिक दलों ने विजय जी सपोर्ट किया, 37 सांसदों ने सपोर्ट किया, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी राज्यों के सांसदों ने समर्थन किया और उन्होंने सिग्नेचर किया है लेटर जो मैंने सभापति जी को दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना घोटाले की आपने शिकायत प्रधानमंत्री जी को की है,
क्या किसी एंटी करप्शन एजेंसी को क्यों नहीं की? सीबीआई को मैंने शिकायत की है, मैंने उनसे टाइम भी मांगा है कि बहुत सारे साक्ष्य मेरे पास हैं, ऐसे ऐसे मामले हैं कि आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक ही जिले के एक ग्राम पंचायत में 4,000 रुपए में ऑक्सीमीटर खरीदा गया, दूसरी ग्राम पंचायत में 3,500 में ऑक्सीमीटर खरीदा गया, तीसरी ग्राम पंचायत में थर्मोमीटर 7,000 में खरीदा गया, चौथी ग्राम पंचायत में 8,000 में, मतलब इस तरीके का करप्शन हुआ है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा ना, उन्हें जानकारी नहीं होगी, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो। तो टीम 11 की भाई मीटिंग किस बात के लिए होती थी? टीम 11 पर डे मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करता था, उस टीम 11 में सारे इनके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, खुद मुख्यमंत्री जी वो मीटिंग लेते हैं। तो एक मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में ऑक्सीमीटर कितने में जा रहा है, थर्मोमीटर कितने में जा रहा है, हेमोटोलॉजी एनालाइजर कितने में जा रहा है, पीपीई किट कितने में जा रहा है, ये अगर पता नहीं चल पाया कई महीनों तक, 6 महीने तक, तो ये तो अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। लेकिन एक खबर आई कि आपने एक कोई सर्वे वहां पर करवाया था उत्तर प्रदेश में जातियों को लेकर सर्वे, कि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो यादवों को सपोर्ट करती है और बीएसपी जो है दलितों को सपोर्ट करती है, और उसी प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर को सपोर्ट करते, ये जातिवादी सर्वे आपने करवाया था? जी बिल्कुल मैंने करवाया था, और मैंने क्यों करवाया था वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ब्राह्मणों की सिलसिलेवार हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, दलितों की सिलसिलेवार हत्या के मामले हो रहे हैं, पिछड़ों के साथ अन्याय के मामले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के थाने उठा लीजिए, डीएमएसपी की पोस्टिंग उठा लीजिए, मुख्यमंत्री सचिवालय की पोस्टिंग उठा लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा किस तरह से वहां पर जातिवाद चल रहा है। मैंने ये कहा कि योगी जी आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन 24 करोड़ जनता के साथ अन्याय मत कीजिए, सबके साथ उनकी बाकी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए, और आप सबके साथ न्याय कीजिए। आप 24 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, ये कहना कहां से अपराध है? और मैं आपको वो सुना देता हूं जिस ऑडियो की बात बार बार की जा रही है, कि वास्तव में उस ऑडियो में क्या था, मैं चाहता हूं आपके दर्शक भी सुन लें। और ये अगर देशद्रोह है तो मैं पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हूं। आप सुनिए इसको, सुनिए ऑडियो को जिससे योगी जी उर्फ अजय सिंह बस डरे हुए हैं। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई लोग कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं, अगर आप सहमत नहीं हैं तो दो दबाएं। अब आप मुझे बताइए कि ये सर्वे जिसमें मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ कि अब अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं और सहमत नहीं है तो दो दबाएं, ये देशद्रोह कहां से हो गया? नहीं, लेकिन ऐसे 1,000 सर्वे आपको सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे खतरनाक और घिनौना सर्वे करते हुए देख मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर मैं एक ठाकुर होके, मैं खुद भी छत्री हूं और मैं ही अगर ये पूछ रहा हूं कि भाई अगर बताइए ये सरकार ठाकुरवादी है कि नहीं है, इस पर आप अपनी राय दीजिए, एक दबाइए और दो दबाइए, ये कहां से देशद्रोह हो गया, कैसे देशद्रोह हो गया, किस देशद्रोह की श्रेणी में आता है ये? लेकिन मैं सवाल पूछने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख रहा था, उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट है योगी जी की उसमें 13 ओबीसी हैं, 5 दलित हैं, 8 ठाकुर हैं, 7 ब्राह्मण हैं, 4 वैश्य हैं, 2 जाट हैं, 2 भूमिहार हैं, 1 मुस्लिम है, 1 कायस्थ है, 1 सिख है। परसेंटेज से देखें तो 36% पिछड़े हैं, 55% अगड़े हैं, 13% दलित हैं। बीजेपी एमएलए जो है टोटल विधानसभा में वो 48% अगड़े हैं और 23% पिछड़े हैं, ओबीसी हैं। तो और फिगर्स में भी यदि मुस्लिम डोमिनेटेड भी देखें तो 82 विधानसभाएं हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, वहां पर 62 बीजेपी एमएलए हैं। तो ये फिगर तो ये नहीं कहते कि ठाकुर जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं योगी जी या उस तरह का राज वहां पर चला रहे हैं। आपने अभी ब्यूरोक्रेसी के आंकड़े नहीं निकाले, थानों के आंकड़े नहीं निकाले, मुख्यमंत्री सचिवालय के
आंकड़े और डीएमएसपी के आंकड़े देख लीजिएगा, और मैं इससे भी अलग हट के बात कह रहा हूँ। जैसे आपने खुद कहा, तो अगर आप पिछड़ों की आबादी देखेंगे और पिछड़ों का समर्थन देखेंगे, दलितों की आबादी देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसकी तुलना में तो वहां पर बैलेंस नहीं है उनकी मिनिस्ट्री में। आपके जो आपने जो बातें अभी बताई, तो मुझे लगता है कि सवाल है कार्यप्रणाली का। अगर एक सरकार के रहते हुए, मेरे पास ओम प्रकाश राजभर जी आए जो इनके यहाँ पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके साथ 8 राजनीतिक दल हैं जो जिसमें अलग अलग समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब ने कहा कि नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और तमाम जातियों के लोग, पिछले दिनों उनके संगठन वो आके मिले कि भाई नहीं, यहाँ पे जातिवाद नहीं होना चाहिए और हम सबके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो ये साफ तौर पे कार्यप्रणाली में उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है। आप मुझे बताइए कि एक ब्राह्मण व्यापारी की इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो गई और वो मामला रंगदारी का था, और उसने मुख्यमंत्री से अपील की, वीडियो बनाया और गिड़गिड़ाया कि मुझसे एसपी पैसे मांग रहा है, मुझे बचा लीजिए नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी, और उसकी हत्या हो गई, और आज तक वो पाटीदार एसपी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये ब्राह्मण, मुझे बताइए ये ब्राह्मणों की चिंता, अगर को आप सस्पेंड कर रहे हैं, कुछ और दूसरी पार्टियों की तरह ब्राह्मणों की चिंता तो नहीं कर रहे कि जब वो विकास दुबे को मारा गया, एनकाउंटर किया गया, तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ हुई थी, तो आपको भी वो तकलीफ है क्या? क्या ब्राह्मणों की राजनीति में कुछ? मैंने हमेशा प्रभात मिश्रा का मुद्दा उठाया, मैंने कभी विकास दुबे का मुद्दा नहीं उठाया। मैंने हमेशा प्रभात मिश्रा का मुद्दा उठाया कि 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को जिसके खिलाफ एक FIR नहीं दर्ज थी, उसको एनकाउंटर में क्यों मार दिया गया। मैंने हमेशा खुशी दुबे का मुद्दा उठाया कि 2 दिन की विवाहिता जिसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है, जिसको नाबालिग कह दिया कोर्ट ने, वो अभी तक जेल में क्यों सड़ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक न्याय की बात है। लेकिन सर, मैं आपको इतने लंबे समय से जानता हूँ, और जहां से खासतौर से आम आदमी पार्टी के साथ आपने पॉलिटिक्स की और इंडिया के करप्शन पर काम किया, बहुत सारे आंदोलन में आप जुड़े रहे, तो दिल्ली में तो कभी, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां तो जाति की चर्चा आप नहीं करते हैं, कि उत्तर प्रदेश पहुंच के जाति की चर्चा क्यों करने लगे हैं? इसका मतलब है आपको लगता है, जब हम पंजाब में जाएंगे तो वहां किसानी की चर्चा करनी पड़ेगी, वहां किसानों के मुद्दों को आपको प्रमुखता से सामने रखना पड़ेगा। जब हम दिल्ली में आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, बिजली पानी की बात करनी पड़ेगी। जब उत्तर प्रदेश में हम जा रहे हैं, अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो वहां की जो सच्चाई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन साथ ही साथ जाति प्रधान राज्य भी है। इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इस पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो शायद हम उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और मैंने ये बीड़ा इसलिए उठाया अपने ऊपर कि आज मेरे ऊपर कोई जातिवादी होने का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति और मेरी जाति एक ही है, और ये पुरानी परंपरा हिंदुस्तान की रही है। अगर आप समाजवादी आंदोलन का इतिहास खास तौर से देखें तो डॉक्टर लोहिया सवर्ण थे, उन्होंने हमेशा पिछड़ों की, दलितों की बात की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सवर्ण थे, पिछड़ों दलितों की बात की। चौधरी चरण सिंह जी सवर्ण थे, पिछड़ों दलितों की बात की। हिंदुस्तान के तमाम वो नेता, जनेश्वर मिश्रा जी को ले लीजिए, मोहन सिंह जी को ले लीजिए, ये तमाम जो देव जी भूमियार थे, राजनारायण जी भूमियार थे, तो उन तमाम समाजवादी नेताओं के भी इतिहास देखेंगे। आप आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जाति की पॉलिटिक्स करेगी, कास्ट पॉलिटिक्स पर काम करेगी। जाति की पॉलिटिक्स जो हो रही है उस पर विराम लगाएगी आम आदमी पार्टी। जाति के नाम पर हो रहे भेद पर विराम लगाएगी, उस पर रोक लगाएगी। हम उसके खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि भाई सबके साथ, एक 24 करोड़ लोगों के अभिभावक के तौर पे मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए। लेकिन एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी संजय सिंह जैसे जो जुझारू लोग हैं उन्हीं को खड्डे में डालती है, कि पंजाब में जब स्थिति ठीक नहीं थी तो पंजाब का प्रभारी बना दिया, अब उत्तर प्रदेश में कोई जमीन ही नहीं है आम आदमी पार्टी की तो वहां प्रभारी बनाकर भेज दिया, तो एक बड़ी बंजर और खड्डे वाली जमीन में संजय सिंह को भेज दिया। ऐसा विजय जी बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, पंजाब में मुझे प्रभारी बनाया तो 20 सीटें वहां पे आई पार्टी की,
तो आप मेरी परफॉर्मेंस को गड़बड़ कैसे कह सकते हैं? नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के जहां बंजर हो वहां भेज दें खेती करने के लिए। सर दिल्ली के चुनाव में, तीन चुनाव में मैं प्रभारी रहा, और दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे, उनके चेहरे पर, उनके काम पे हम लोग लड़े। तो संगठन का काम मैं पहले से करता रहा हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसका चूंकि अनुभव है और इसके नाते मुझे अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दी जाती है, तो अच्छी बात है, पार्टी लायक मुझे समझती है, उसी के तहत काम कर रहा हूँ। हिस्ट्री तो देखिए आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कुछ है ही नहीं। 2014 के चुनाव को याद करें तो राम राम याद आते हैं। वाराणसी का चुनाव याद कीजिए, केजरीवाल जी का क्या हुआ था, अमेठी में क्या हुआ था, तो बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। और विधानसभा चुनाव कई बार राजनीति में कई बार घटनाक्रम तेजी के साथ बदलता है, और अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति का सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। धर्म की राजनीति का सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वहां पर अब लोगों को रोजगार चाहिए। नौजवान आप देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक की सड़कों पे कल लाठियां चली हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत बुरी है, उनको उनके फसल का दाम चाहिए, खाद के लिए, यूरिया के लिए उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं, लाठियां खा रहे हैं वो लोग। उत्तर प्रदेश में लोगों को शिक्षा और अस्पताल चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में हमने देखा कि 8-8 घंटे तक लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और उनकी जान चली गई। हमने देखा कि अस्पताल स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए। हमने देखा कि एक युवक अपनी माँ का इलाज कराने के लिए हरदोई में गया तो चीख चीख के अस्पताल के सामने उसकी माँ मर गई, लेकिन उसको इलाज नहीं मिल पाया। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब मुद्दों पर राजनीति को लाना होगा और जातिवाद की राजनीति पर विराम लगाना होगा, वरना 74 साल हो गए, 174 साल भी चुनाव हो जाएगा तो भी उत्तर प्रदेश की स्थितियों में बदलाव नहीं होना है। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये एक अलग विषय है। नहीं, मैंने कहा कि मुझे लगा कि कहीं कोई पार्टी में इंटरनल कुछ साजिश तो नहीं हो रही संजय जी के खिलाफ कि भाई उत्तर प्रदेश खाली जमीन है, वहां भेज दीजिए, चलाते रहेंगे हल। ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, और हम सब लोग मिलके और अच्छे ढंग से मजबूती से काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में भी अच्छा संगठन का विस्तार हो रहा है, काम हो रहा है पार्टी। दिल्ली से आप सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, दिल्ली का जो हाल है, दिल्ली में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी का पूरा एक दबदबा है, उसके बाद आप समझ रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में कोरोना को लेकर भी जितना हाल खराब है आज की तारीख में, आप हो सकता है बहुत सारी चीजें गिनाएं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं कि दिल्ली में कंट्रोल तो नहीं है कोरोना को लेकर? देखिए विजय जी, इसमें कई परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ा, और ये हमको मानना पड़ेगा कि देखिए ये बीमारी हवाई जहाज से आई, हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है ये। दिल्ली और मुंबई दो बड़े सेंटर रहे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के आने की वजह से, यहाँ पर कोरोना निश्चित रूप से बहुत ज्यादा संख्या में शुरुआत में रहा, बीच में हम लोगों ने बहुत अच्छा उस पर नियंत्रण पाया। ये एक सेकेंड फेज आया है, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो डेथ रेट थी पहले या जिस प्रकार से लोगों का जीवन जा रहा था उस पे काफी हद तक उसको रोकने में दिल्ली सरकार सफल हुई है, और आज दिल्ली मॉडल की चर्चा दूसरे राज्यों में हो रही है। जैसे हमारा होम आइसोलेशन का मॉडल है, ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा, जहां से 90% लोग घरों में रह के ठीक हुए। जैसे हमारा प्लाज्मा थेरेपी का मॉडल, होम आइसोलेशन का सरकार के भरोसे मत रहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम उनको घर में ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, जब हम उनको फोन कॉलिंग के जरिए जरूरत पड़ने पे उनको मेडिसिंस बता रहे हैं, और जब उनसे कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप मुझे बताइए, सूचना दीजिए सेंटर पे, तो आपको एम्बुलेंस टाइम से मिल जाएगी, हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा। ऑनलाइन हमने हम क्रिटिसाइज भी किए गए विजय जी, लेकिन ऑनलाइन हमने कितने ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं, कितने वेंटिलेटर मौजूद हैं, कहाँ पे कितना प्लाज्मा मौजूद है, ये सारी सुविधाएं हमने की। और एक बात हमें याद रखना होगा कि आज दिल्ली एकमात्र हिंदुस्तान का राज्य है जहां पे टेस्टिंग के मामले में हमने कई गुना टेस्टिंग दूसरे राज्यों की अपेक्षा की है। जैसे आज आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश को ही कंपेयर कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, वहां 155,000 टेस्ट हो रहा है पर डे। दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे 65,000 टेस्ट हो रहा है। तो जो टेस्टिंग भी लगातार बढ़ रही है,
इसके कारण भी आपको कोरोना के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं जो दिल्ली सरकार जिस तरह से कोरोना को लेकर दिल्ली में काम कर रही है या जो दिल्ली में कोरोना का हाल है? जितनी बड़ी महामारी दिल्ली में आई थी उसको नियंत्रित करने में निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है, वरना एक समय तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे मतलब बहुत बुरे हालात होंगे, लेकिन आज तमाम प्रयासों से वैसा नहीं हुआ। और 10,000 का हमारा कोविड का हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल छतरपुर में बना, और तमाम ऐसे प्रयास, प्लाज्मा बैंक का मैंने कहा, ऑक्सीजन बेड का, वेंटिलेटर बेड का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑक्यूपाई करने का, ये सारा कुछ काफी सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली ने पेश किया है। एक और मामला दिल्ली को लेकर चलता रहा, और जैसे एक थोड़ी सी बात, जैसे कोरोना योद्धा के लिए बीजेपी ने ताली भी बजवाई, थाली भी बजवाई, तमाम ड्रामे नौटंकी किया, लेकिन कोरोना योद्धाओं की जिनकी जान गई उनको कुछ नहीं दिया, तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है। और दिल्ली की सरकार ने कोरोना योद्धाओं को जिनकी भी डेथ हुई थी 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। तो मुझे लगता है कि खाली बातें कहने से बड़ी बड़ी काम नहीं चलेगा। और कर्नल ने पार्लियामेंट में भी इस बात को बोला कि भाई दुनिया का कोई अध्ययन बता दीजिए, कोई वैज्ञानिक रिसर्च बता दीजिए जहां थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो हम लोग पार्लियामेंट में सारा काम छोड़ के थाली बजाते हैं, दिन रात यही काम करते हैं, शाम को दिया जलाते हैं, लेकिन ऐसे तमाम मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम बीजेपी लेके आई। पार्लियामेंट में आपका भाषण सुन रहा था कि ताली बजाइए और थाली बजाइए और दिया जलाने को आप तैयार हैं पार्लियामेंट में। आप पॉलिटिक्स जो करते हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने जहां से शुरू किया, वो भी तो सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स है। जब जंतर मंतर पे तिरंगा फहराने से करप्शन खत्म हो सकता है, तो फिर थाली ताली बजाने से भी कोरोना खत्म हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये इस ये सिंबोलिज्म का मतलब आप उसके लिए अवेयर करें। ताली और थाली बजाने का मतलब मुझे जो समझ में आया वो था अवेयरनेस कैंपेन। ना कहां अवेयरनेस हुआ, आप मुझे बताइए देश भर में अवेयरनेस क्या हुई? अवेयरनेस ये हुई विजय जी, अवेयरनेस ये हुई कि हजारों हजार की भीड़ में लोग निकले और कोई सर पे थाली पीट रहा है, कोई पेट पे थाली पीट रहा है, और आज ये हालत आ गई कि थाली में रोटी खत्म हो गई लोगों के। तो कहां अवेयरनेस आई आप मुझे बताइए? अवेयरनेस यही तो आई कि आपदा में औसत तलाश लिया लोगों ने, इस दौरान बीपीसीएल बेचा गया, इस दौरान इंश्योरेंस सेक्टर बेचा गया, इस दौरान रेल बेचा गया, सेल बेचा गया, एयर इंडिया की बोली लगाई गई। तो मेरा ये कहना है कि जो आपदा में अवसर एक प्रधानमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किया था उसका पूरा सदुपयोग और अक्षरशा उसका पालन भाजपा के लोगों ने किया। आप देखिए हिमाचल में राजीव बिंदल इनके प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए पीपी किट के घोटाले में। बड़ौदा में अभी विजय जी वेंटिलेटर जहां पे मरीज भर्ती थे बेचारे, वहां वेंटिलेटर जल गया, 5,000 वेंटिलेटर की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। तो ये यूपी का मैंने आपको हाल बताया। पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म है, सिंबल की पॉलिटिक्स है, और उसका मतलब होता है कैंपेन को। आपने एक उदाहरण दिया था, आपने एक उदाहरण दिया था, देखिए तिरंगे झंडे से या हम किसी आंदोलन में हैं उस पे कोई बैनर लिए हुए हो, पोस्टर लिए हुए हो या नारे लगा रहे हो, तो वो हमारे विरोध का एक तरीका है कि हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए देश के सिंबल को, तिरंगे को हाथ में लेके नारे लगा रहे हैं। लेकिन आप कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, तो ये घोर अवैज्ञानिक पहल है, घोर अवैज्ञानिक पहल। और आप कहीं ना कहीं इन इस तरह के चीजों से लोगों को उनका ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं कि असल मुद्दों पे बात ना हो। भाई जब लोग देश के अंदर भुखमरी के कगार पे हैं, उस समय कोई आदमी कैसे सोच सकता है कि हमें मोर नचाना है? कोई सोच सकता है क्या? लेकिन मोर नचाया जा रहा है। तो आप बताइए ना कि 80 लोग ट्रेन की अव्यवस्थाओं के कारण मर गए विजय जी, 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई, कभी हिंदुस्तान में सुना था आपने? एक दिन के बजाय 9 दिन में ट्रेन पहुंच रही है बिहार। तो ये सब कुछ हुआ है एक बेजान जिंदगी से, अपने जिंदगी से। सोच रहा था कि आपकी पार्टी और केजरीवाल साहब जैसे मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में, जो प्रवासी मजदूर है उनको जाने ही नहीं देंगे, वो कहेंगे कि हम दिल्ली में ही रहिए, दिल्ली में रोजगार कीजिए या मदद करो। ये तो आप अगर उस समय एक सर्वे कराते, या मैं समझता हूँ कि देश के स्तर पे इसका एक सर्वे होना चाहिए, उस समय जिस प्रकार
की भयावह स्थिति देश के सामने प्रस्तुत की गई, शायद उतनी थी नहीं जितनी प्रस्तुत की गई, आज ज्यादा भयावह है। आज 50 लाख से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में हो गए हैं, लेकिन जितनी भयावह स्थिति उस समय प्रस्तुत की गई, उस बेचैनी के कारण, उस डर और भय के कारण लोग अपने घर जाना चाह रहे थे, उनको आप रोजगार देते, पैसे कर लेते, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर भरोसा नहीं, हमारा रोजगार ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों को हमने, मैं खुद बता रहा हूं, बसों से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां जहां लोग जाना चाहते थे उनको भेजा गया और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो आप लोग फिर से आ जाइएगा, अभी आप घर जाना चाहते हैं ठीक है जाइए। हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है। जब आप किसी बड़ी परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो उस दौरान आपकी इच्छा होती है कि भाई हम अपने घर परिवार के साथ रहें, तो वो सोच कहीं ना कहीं उसके पीछे थी। इंश्योरेंस मानी जा सकती है कि अब यदि वो प्रवासी मजदूर लौट रहे हों तो दिल्ली सरकार ये व्यवस्था करेगी कि उन मजदूरों को अपना रोजगार मिल जाए, हो सकता है यहाँ आए तो वो रोजगार ही ना मिले। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, आ भी रहे और रोजगार भी मिल रहा है और अपने काम पे वो लोग लौट रहे हैं। एक तिरंगा और जंतर मंतर की याद करते करते एक नाम मुझे याद आया, अन्ना हजारे साहब का, आपको भी याद है अभी नाम? बिल्कुल याद है, अन्ना हजारे साहब को कौन भूल सकता है, इन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी इतना बड़ा आंदोलन चलाया। जब से सरकार बनी तब से कभी अन्ना हजारे साहब याद नहीं आए, कभी आपने उनको बुलाया भी नहीं, कभी सम्मान भी नहीं किया, बहुत जंतर मंतर पर उनसे झंडा तो फहरवा लिया, फिर आपके दिल्ली से झंडा फहर गया तो आपको भूल गए। मैं स्वयं रालेगांव सिद्धि गया था, लोकपाल बिल हाथ में लेके गया था, क्या क्या मुद्दे ला रहे हैं उसके लिए गया था। और देखिए अन्ना जी को ये हमेशा, जब हम लोगों ने पार्टी बनाई तो उनको ये लगा कि भाई हमको राजनीतिक पार्टी बना के नहीं काम कर रहा, ये उनका अपना विचार था, ठीक, और उस विचार का हम सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि भाई हम सामाजिक संस्था बना के काम करेंगे, किसी को लगता है हम राजनीतिक पार्टी बना के काम करेंगे, लेकिन एक शब्द भी उनके सम्मान के खिलाफ आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता ने कभी बोला हो तो आप बता सकते हैं? कभी नहीं। हाँ ये है, वो खुद से राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक कार्यक्रमों से, राजनीतिक पार्टियों से दूर रहना चाहते हैं, हमें उनकी इस भावना का सम्मान करना चाहिए। ठीक, अभी आपके एक और पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं, प्रशांत भूषण जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो पूरा मूवमेंट था उसे RSS इंस्पायर्ड मूवमेंट कहना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए मैं आमतौर पे जिन साथियों के साथ काम करता हूँ उनके खिलाफ कभी भी मैं बाहर बोलना या मीडिया में बोलना ये मेरी आदत नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है ये, इसलिए मैं प्रशांत जी पे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि वो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी एक बहुत बड़ा आंदोलन था और वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें लोग अपने घरों से निकले। RSS बीजेपी सपोर्ट का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, क्योंकि जो आदमी सुल्तानपुर में, बलिया में, गाजीपुर में और अमेठी में, रायबरेली में, लखनऊ में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में जो सड़कों पे निकला, उसका RSS से क्या लेना देना है, उसका किसी बीजेपी वाले से क्या लेना देना है? पार्टी के एक नेता, वो मजदूर, वो किसान, वो व्यापारी, वो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग निकले, उनका RSS बीजेपी से क्या लेना देना है? लेकिन प्रशांत, कुल मिलाकर पार्टी के ही एक आदमी ने कहा कि प्रशांत भूषण जी तो खुद ही शांति भूषण जी और प्रशांत भूषण जी तो बीजेपी के लोग रहे हैं। और फिर बात हुई, मैं बाबा रामदेव का नाम आया, मैं फिर कहूंगा शंकर का नाम, ये सब आप लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, सब पता कर लेंगे कौन क्या था क्या नहीं था, मैं कोई टिप्पणी उन लोगों के बारे में नहीं करूंगा। मैं आंदोलन पे आपने पूछा वो मैं बता सकता हूँ कि आंदोलन कहीं से RSS बीजेपी प्रायोजित नहीं था और वो जनता का आंदोलन था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, अन्ना जी के नेतृत्व वाला आंदोलन। RSS का सपोर्ट भी नहीं था उसमें? नहीं, अब अगर कोई आदमी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है, CPM CPI से जुड़ा है और एक गैर राजनीतिक आंदोलन में सड़क पर झंडा लेके निकल पड़ा है
तो अब इसकी पड़ताल तो इतने बड़े पैमाने पे करोड़ों लोग सड़क पे निकले थे, उसकी तो कोई जांच कर नहीं सकता। प्रायोजन का मतलब होता है कि वो संस्था आपको प्रायोजित करे, उस आंदोलन को प्रायोजित करे बीजेपी। आपको जानकारी नहीं थी इसलिए कुछ लोगों को आपने एमएलए भी बनवा दिया उनके। जी आपको ज्यादा जानकारी नहीं थी तो कुछ लोगों को उनके आपने एमएलए भी बनवा दिया अपनी पार्टी से बाद में। नहीं, तमाम दलों के लोग आम आदमी पार्टी में आए, जो कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, दूसरी पार्टियों में थे, वो आए और एमएलए भी बने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब उनका चरित्र बदला तो हमने उनको निकाल के बाहर भी किया। जी, निकाल के बाहर करने की बात आई, एक दिल्ली दंगों को लेकर बड़ी चर्चा रही है, क्योंकि आपका मैं भाषण देख रहा था, जबरदस्त भाषण था पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली दंगों को लेकर। आपने कहा कि इंसानियत का कत्ल हुआ, मानवीयता का कत्ल हुआ, 53 लोग मारे गए, दंगे हुए, ये सब कुछ हुआ, और जो केंद्र की सरकार थी, पुलिस थी, उसने कुछ काम नहीं किया। लेकिन जब नाम आया तो उसमें आपके पार्षद का नाम सबसे ऊपर आया। देखिए विजय जी, अगर आज मैं कुछ भी टिप्पणी करूंगा तो ये लगेगा कि दंगों के मामले को मैं भटकाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पार्षद का जो भी मामला है वो न्यायालय में है, उस पर न्यायालय अपना काम करेगा, न्याय देगा। दूसरा विषय आ जाते हैं जिसको पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और जो हेट स्पीच सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे देखी गई, फेसबुक पे देखी गई, उसके सर्वे में आया, और वो है कपिल मिश्रा की नफरत फैलाने वाली भड़काऊ स्पीच। आज तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई क्या? केंद्र के मंत्री ने गोली मारो गालियां देकर, क्या उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? प्रवेश वर्मा दिल्ली के भाजपा के सांसद ने यह तक कहा कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपके घरों में घुसकर मां बहनों के साथ बलात्कार किया जाएगा। इतना घिनौना और घृणित बयान दिया, क्या उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये दंगा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसमें 53 लोग मारे गए, 53 मासूम निर्दोष जाने गई, और ये दंगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार का साजिश का हिस्सा था। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि बीजेपी सत्ता में है, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि बीजेपी की पुलिस है। नहीं, लेकिन दिल्ली दंगों के जो भाषण का आपने जिक्र किया उस पर दिल्ली के कोर्ट ने भी तो कुछ ऑब्जर्वेशन दी है, उसमें तो उन्होंने माफ कर दिया उन दोनों को। अब देखिए, जब ये चीज इन डिटेल जाएगी ट्रायल में तो बहुत सारी चीजें अभी बदलेंगी, अभी बहुत शुरुआती स्टेज है कुछ भी कहना। अभी तो कोई भी चार्जशीट बना के कुछ भी दाखिल कर दे रहा है, और उन चार्जशीट्स पे कई बार आपने देखा होगा कि कितनी फटकार लगी है दिल्ली पुलिस को, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट किस तरह से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को ले रही है। तो कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि उनको फटकार भी लगी है। आपने कहा कि आप अपने पुराने साथियों के खिलाफ नहीं बोलते, सपोर्ट में तो आ सकते हैं। अभी दिल्ली दंगों को लेकर योगेंद्र यादव जी के खिलाफ भी मामला चल रहा है, पूर्वानंद जी के खिलाफ भी मामला चल रहा है, सीताराम येचुरी पर भी मामला आया है। योगेंद्र जी आपके पुराने मित्र रहे हैं, अब हैं कि नहीं पता नहीं, तो क्या आम आदमी पार्टी या संजय सिंह जी उनको समर्थन करेंगे कि जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है? देखिए, अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछेंगे तो मैं साफ तौर पर कहूंगा इनमें से कोई दंगाई नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति दंगाई नहीं है। लेकिन उन सारे लोगों ने, और बाद में पीटीआई ने भी उसका क्लेरिफिकेशन दिया कि इन पे कोई एफआईआर नहीं हुई है, कहीं उसका चार्जशीट में उन्होंने जरूर जिक्र किया, और फिर पुलिस ने भी उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दिया था अपना। सर एक और सवाल है चलते चलते, मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पूरे मूवमेंट के साथ खड़ी हुई 2010, 2011, 2012, 2013 जब भी पार्टी बनी 26 नवंबर को, और उसके बाद सरकार आई, लेकिन इतने साल, अब करीब करीब 8 साल हो गए हैं पार्टी को बने हुए। पार्टी की जानकारी वेबसाइट पर देख रहा था, विकिपीडिया पर देख रहा था, अरविंद केजरीवाल साहब के अलावा किसी का नाम ही नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल उसके मुख्य चेहरे हैं। किसी भी संस्थान में और अपने परिवार में भी आप देख लीजिए, एक अगुआ आपका होता ही होता है। बगैर अगुआ के न कोई सेना चल सकती है, न कोई संस्थान चल सकती है, न कोई पार्टी चल सकती है, न कोई दल चल सकता है। तो
ये कहना कि भाई अरविंद केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से उन्होंने 5 साल में अच्छा काम किया है और चुनाव के पहले इतनी साहस उन्होंने दिखाई कि कहा कि अगर काम नहीं किया हो तो एक भी वोट मत देना। तो ये तो मुझे लगता है कि एक एक वही मुख्यमंत्री बोल सकता है जिसने जनता के लिए 5 साल काम किया हो और बाकी सब लोग मिलके साथ में काम करते हैं। सर आपने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है उसमें तो लोग पदों के खिलाफ रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो जो थे कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा, मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन 8 साल से वही मुख्यमंत्री हैं, वही राष्ट्रीय संयोजक हैं, सब कुछ वही है और सुना कि चलती भी सिर्फ उन्हीं की है। नहीं ये तो कहने के लिए बातें हैं, कोई भी कुछ भी कहता रहेगा, लेकिन जहां तक सवाल है कि कौन किस पद पर बैठा है उस पद के साथ न्याय कर रहा है या नहीं कर रहा है, मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए। और अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो पिछले 6 वर्षों में दिल्ली के लिए जितना काम अरविंद केजरीवाल ने एक मुख्यमंत्री के तौर पे करके दिखाया, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे अस्पतालों के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, वो अपने आप में अनुकरणीय है, वो एक मॉडल है। तो एक व्यक्ति अगर अच्छे ढंग से एक सरकार चला रहा है, राष्ट्रीय संयोजक भी वही है, एक व्यक्ति अगर अच्छे ढंग से सरकार चला रहा है तो कोई कारण ही नहीं बनता कि आप उसको बदल के कोई दूसरे आदमी को जिम्मेदारी दें। ठीक है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब संजय सिंह जी पंजाब जैसी बंजर जमीन पर खेती करके आ सकते हैं, दिल्ली के चुनावों को बार बार जिता सकते हैं, तो राष्ट्रीय संयोजक, एक अरविंद केजरीवाल जी की योग्यता पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ पार्टी में और भी योग्य लोग होंगे जो राष्ट्रीय संयोजक तो बन सकते हैं, ज्यादातर पार्टियों में होता है वन मैन वन। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद के साथ पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको हटाने का कारण क्या बनता है, कोई तो कारण होना चाहिए। किसी व्यक्ति को हटाए जाने के पीछे कोई जायज कारण होना चाहिए। हाँ भाई आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो एज ए संगठन के अगुवा के तौर पे भी और मुख्यमंत्री के तौर पे भी आज देश के कार्यकर्ता या पार्टी के जो बाकी लीडर हैं उनके नेतृत्व में मिलके काम कर रहे हैं। हमारी हमारी अपनी एक सांगठनिक क्षमता है, उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। मनीष जी एजुकेशन में बेहतर कर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में सत्येंद्र जैन जी अच्छा कर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। गोपाल राय जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको जो भूमिका मिली है उस भूमिका को उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि केजरीवाल जी के अलावा कोई इतना योग्य आदमी नहीं है जो राष्ट्रीय संयोजक भी बने और मुख्यमंत्री भी बने, सबसे योग्य जो है वही है, वन एंड ओनली है। आप मेरी बात को घुमा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने पद के साथ 100% ईमानदारी की है, मेहनत करके संगठन को भी खड़ा किया है और मेहनत करके दिन रात एक मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली में सरकार भी चला रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बंजर जमीन पर फसल बनाने वाला संजय सिंह जैसे योग्य आदमी क्यों ना हो राष्ट्रीय संयोजक। नहीं जब मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब एक आदमी अच्छे ढंग से काम कर रहा है तो संजय सिंह को क्यों होना चाहिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, एक व्यक्ति को उसके पद से हटाने के पीछे उसका कुछ तो मूल्यांकन होगा। अगर वो अपने संगठन के अगुवा के तौर पे, संयोजक के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो तब आप विचार कीजिए, लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं तो उसमें कोई और बात सोचने का कोई अर्थ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।